बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। नई सोच चैनल के देखने वाले मुअज़्ज़ज़ ख़वातीनों हज़रात, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मेरी पुरखलूस दुआ है कि अल्लाह ताला आपको अपनी आफियत में रखे, आमीन। प्यारे दोस्तों, अहदे हाजिर में हमारी तरजीहात के बदलने से जहाँ हमारी जिंदगी बहुत फास्ट हो गई है, वहाँ पर हमें सेहत के ज्यादा मसाइल का सामना भी करना पड़ रहा है, जिनमें सबसे ज्यादा अहम मर्ज या मसला जो हमारे मामूलात पर असरअंदाज हुआ है वो है डिप्रेशन। इसकी अलामात, वजूहात, तशखीस के तरीके, बचाव और इलाज से मुतल्लिक कुछ मालूमात आज मैं आपसे इस वीडियो में शेयर करूंगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। नए आने वाले दोस्तों से उम्मीद करती हूँ कि नई सोच चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि तमाम नई मालूमाती और तफरीही वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। तरक्की याफ्ता इस दौर के किसी भी शोबा हाय जिंदगी, मसलन तालीमी मैदान हो, कारोबार या मुलाजमत, पेशा अफराद हो या घरेलू जिंदगी या फिर अपने अजीजों अकारिब, ख्वाह कोई भी शख्स मुकम्मल तौर पर सुखी नजर नहीं आता। इसकी बड़ी वजह अपने ऊपर खामखा की परेशानियों, चाहे इरादी हो या गैर इरादी, अपने ऊपर मुसल्लत कर लेना है। डिप्रेशन दुनिया भर में एक बड़ा मसला बनता जा रहा है, खास तौर पर पोस्ट कोविड पीरियड, जहां हर फर्द अपनी और अपने अजीजों की सेहत के हवाले से परेशान है, एक खौफ की कैफियत में मुब्तला है, वहां उसे मौशी मसाइल का भी सामना है। इन अवामिल की वजह से आबादी का बड़ा हिस्सा डिप्रेशन का शिकार है। डिप्रेशन एक नफ्सियाती बीमारी है जो हमारे मूड को खराब करती है, जिसके बाइस हमें मुस्तकिल एक गम का एहसास रहता है और मामूलात में दिलचस्पी का फुकदान हो जाता है। इसका ज्यादातर असर हमारे बर्ताव या रवैये के साथ साथ हमारे सोचने की सलाहियत और एहसासात पर पड़ता है, जो बहुत से जज्बाती और जिस्मानी मसाइल का बाइस बनते हैं। हमें अपने ऊपर रोजमर्रा के मामूलात में ना सिर्फ मुश्किलात झेलनी पड़ती हैं, बल्कि जिंदगी भी बदमजा लगने लग जाती है। आपको डिप्रेशन का तजर्बा जिंदगी में एक मर्तबा तो होता ही है, मगर बहुत से अफराद इसको मुतअद्दिद बार भी निमटते हैं। अलामात इनफरादी या मजमूई तौर पर वक्फे से मतवातर जाहिर होती है, जिनका दौरानिया दिनों से लेकर महीनों पर मुहित होता है। इनमें मुस्तकिल गम का एहसास, ना उम्मीदी, खौफ या खाली जहन रहना, गुस्सा आना, बेचैनी का बढ़ना, रोजमर्रा मामूलात में दिलचस्पी का फुकदान, नींद का ना आना से लेकर मुस्तकिल नींद की कैफियत में रहना, थकावट का एहसास, कमजोरी महसूस होना, गजा में कमी, वजन का गिरना और कुछ अफराद में उलट मामला यानी गजा में इजाफा और वजन का बढ़ना शामिल है। इसके अलावा हर वक्त परेशान रहना, सोचने, बोलने और काम करने में सुस्त रवि का शिकार होना, एक शर्मिंदगी का एहसास रहना और किसी एक मामले में मुकम्मल फोकस या कंसंट्रेट ना करना शामिल है। बच्चों में डिप्रेशन की अलामात कदरे मुख्तलिफ होती है। बेचैनी की कैफियत, जिस्म के किसी हिस्से में दर्द का रहना, स्कूल जाने से इनकार, वजन का गिरना वगैरह। बड़े बच्चों में तालीमी काबिलियत की कमी, हर काम में बेजारी का एहसास, ड्रग्स और अल्कोहल की तरफ रुझान होना उनके अंदर डिप्रेशन को जाहिर करता है। बड़ी उम्र और बुजुर्ग अफराद में डिप्रेशन की बीमारी ज्यादा आम है, जिसकी आम अलामात में मेमोरी लॉस यानी चीजें याद ना रहना, मतवातर जिस्म में दर्द, कमजोरी और खुराक में कमी के अलावा घर पर पड़े रहना, सोशल होने से इज्तिनाब करना और खुदकशी जैसे एहसासात का पैदा होना शामिल है। डिप्रेशन की वजूहात कुछ तो इंसान की दिमागी यानी सेरेब्रल डिजीज है और कुछ दिमाग में अफाल सरंजाम देने वाले केमिकल्स यानी न्यूरोट्रांसमीटर्स जो जिम्मेदार होते हैं हमारे दिन भर के मूड स्टेबलाइज करने के, उनमें गड़बड़ होना शामिल है। हमारे दूसरे जिस्मानी हार्मोन्स जैसे थायराइड या एंड्रोजेंस की कमी, ज्यादती भी डिप्रेशन का बाइस बन सकती है।
डिप्रेशन का मर्ज अमूमन ख्वातीन में मर्दों के मुकाबले में ज्यादा होता है। दूसरों पर इन्हेसार या डिपेंडेंट लोग इसका ज्यादा शिकार होते हैं। ऐसे अफराद जो किसी बड़े हादसे से गुजरे हों या ज्यादा लंबे अरसे तक किसी जहनी दबाव का शिकार रहे हों या फिर किसी करीबी या प्यारे की गैर मुतवक्का मौत, जिंसी इस्तेहसाल और मुख्तलिफ मौशी मसाइल का शिकार लोग जल्द डिप्रेशन में मुब्तला हो जाते हैं। बाज़ औक़ात हेरिडिटी यानी खानदान में पाई जाने वाली मखसूस बीमारी से, सिगरेट के इस्तेमाल या अल्कोहल का ज्यादा इस्तेमाल और मुख्तलिफ अद्वियात के साइड इफेक्ट्स, या फिर ऐसे अफराद जिनको क्रॉनिक बीमारी हो जैसे कैंसर, फालिज, दिल के अमराज, ऑस्टियोआर्थराइटिस और रूमेटिज्म जैसे दर्द का मसला मुसलसल रहना, या वो भी डिप्रेशन का बाइस बनते हैं। डिप्रेशन से होने वाली पेचीदगियां या कॉम्प्लिकेशंस न सिर्फ अफराद बल्कि पूरी फैमिलीज के लिए मुश्किलात में इजाफे का बाइस बनती हैं, जो न सिर्फ इमोशनल और बिहेवियरल इश्यूज पैदा करती हैं बल्कि सेहत से मुतल्लिक दूसरे मसाइल का भी इजाफा होता जाता है, जैसे वजन का बढ़ना, मोटापा वगैरह, अद्वियात का एडिक्ट हो जाना, रिश्तेदारों से ताल्लुकात की खराबी, मुलाजमत और तालीमी मैदान में पीछे रह जाना और तन्हाई का शिकार होना, खुद पसंद हो जाना, एहसासे कमतरी या जिंदगी से बेजारी के अलावा अपने आप को शदीद नुकसान पहुंचा लेना, खुदकुशी का रुझान पैदा होना, ऐसे तमाम अनासिर की वजह से अपनी जिंदगी में कमी कर बैठना वगैरह शामिल है। अब देखना यह है कि डिप्रेशन से कैसे बचा जा सकता है। अपने अंदर लचक और खुदएतमादी पैदा करना, दोस्तों और रिश्तेदारों से अपने ताल्लुकात को मजबूत करना, अपने अंदर डिप्रेशन की अलामात को जल्द नोटिस करना और उससे बचने की हत्तुल इम्कान कोशिश करना, आगाज में ही नजरअंदाज करने की बजाय इलाज करवाना। डिप्रेशन की बहुत ज्यादा इकसाम है, इसकी बाकायदा तशखीस के लिए करीबी माहिर नफ्सियात यानी साइकोलॉजिस्ट से रुजू करना चाहिए, जो आपसे इन टच रहकर आपकी काउंसलिंग या साइकोथेरेपी करेगा। मर्ज के ज्यादा बढ़ जाने के खदशे के पेश नजर हो सकता है कि आपको किसी साइकेट्रिस्ट की तरफ रेफर किया जाए, जो मुख्तलिफ तरीकों के साथ अद्वियात का इस्तेमाल करवाएंगे। मराकबा या मेडिटेशन दुनिया भर में एक ऐसा तरीका है जो डिप्रेशन जैसी नफसियाती बीमारियों से आपको दूर रखता है। इसके अलावा आपको यकसू यानी एक ही नुक्ते पर फोकस करना होगा, जैसे अल्लाह ताला की वहदानियत को मानना और यकीन रखना कि जो कुछ भी होगा वो अल्लाह के इरादे से होगा, और अपनी जिंदगी के मामूलात को उसके फरमान के ताबे करना। कुरान में इरशाद है, याद रखो अल्लाह के जिक्र से ही दिलों को इत्मीनान हासिल होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये काविश आपको पसंद आई होगी। अगर आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो अपनी पसंद और नापसंद का इजहार नीचे कमेंट्स में जरूर कीजिए। अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि आप सब खैर व आफियत से रहें। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह निगहबान।